हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन फाइनल एमयूएम हो चुका है, आज हम इस वीडियो में ऑफलाइन क्लासेस को लेकर और बाकी जो अपडेट है एमयूएम से उसके बारे में बात करेंगे। आपको गूगल पे चले जाना है या फिर ये एक तो ये कि सबसे पहला जो अपडेट है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जिनका भी सिलेक्शन एमयूएम में एमए और एमएफए और बी ऑनर्स में, अब ये इसमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस और बीए आर्ट्स वो दोनों आ जाता है, तो आप इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएफए में फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लासेस है 22-23 में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इनका जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स विल कमेंस फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर एंड 10th ऑफ अक्टूबर। तो याद रखें जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका 5th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, और जिनका अभी नहीं आया है, जिनका आने में टाइम है, उनका 10th ऑफ। अब जैसे बीए वाले स्टूडेंट्स हैं तो चाहे आपका सोशल साइंस में हो या फिर आर्ट्स में हो, अब दोनों का जो क्लासेस है वो 10th ऑफ अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका पहले रिजल्ट आया हुआ है उनका पहले मैंने 5th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिनका अभी नहीं आया है उनका 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट, क्योंकि वैसे बीए वाले स्टूडेंट्स का 6 से 7 अक्टूबर के बीच में इनका मेरिट लिस्ट आने वाला है, फॉर्म लिस्ट 1 आने वाला है, तो जैसे ही जब आएगा तो वैसे भी आप कर पाएंगे, मतलब वैसे भी आप आज आने के बाद आप खुद भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्लास ले पाएंगे। बाकी एक तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, खासकर गर्ल्स को लेकर तो हॉस्टल को लेकर बराबर नोटिफिकेशन आ भी रहे हैं, लेकिन अगर वही बात हम बॉयज़ के लेकर हॉस्टल की बात करें, चाहे आप किसी भी कोर्स की बात कर लें, तो इन्होंने हॉस्टल को लेकर कोई वैसा नोटिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, हॉस्टल को लेकर नोटिफिकेशन दिया है, जो पहले से एमयूएम ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको मौका मिला है कि जाइए हॉस्टल फैसिलिटी कम्प्लीट करिए अपना। दूसरा, अब हम ये कहेंगे जो भी स्टूडेंट्स एमयूएम में सेलेक्ट हो चुके हैं मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर के कोर्स में, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा अभी फिलहाल। एक तो amu.ac.in वेबसाइट पे जाके फैकल्टीज़ वाले आइकन में चले जाएंगे, और इसके बाद जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जितने भी फैकल्टीज है वो सभी इस तरीके से ओपन हो रहे हैं। अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है फैकल्टी ऑफ लॉ की ओर से नोटिस आया था, तो आप फैकल्टी ऑफ लॉ पर चले जाएंगे, ये अभी ओपन हो रहा है। इसके बाद इसके नोटिस एंड सर्कुलर वाला सेक्शन में जाने के बाद ये रहा, और टॉप पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लास ऑफ BLLB और LLM फर्स्ट न्यूली एडमिटेड कैंडिडेट फॉर दिस सेशन 22-23। तो इसका ये मतलब है कि आपको दो चीज़ हो सकता है, एक तो या तो आपका ईमेल भी आ जाए, या फिर दूसरा ये है कि आपके क्लासेस जैसे अगर उस हिसाब से देखा जाए तो BA का हो गया और LLB का हो गया, बाकी BCOMs हो गया और BTech का क्लासेस स्टार्ट हो ही चुका है। इनका जो क्लास जो है वो 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज है, टाइम टेबल यहाँ मेंशन है, आप इस जो भी स्टूडेंट्स हैं टाइमिंग के हिसाब से पहुँचे। पहला फर्स्ट जो क्लास है वो 8 AM से है, यानी कि 8 AM से लेकर के मैक्सिमम जो आपकी क्लास है एक दिन में वो आपके मैक्सिमम जो क्लासेस है वो 3:20 PM यानी कि आफ्टरनून तक आपके क्लास चल सकते हैं, सुबह 8, तो ड्यूरेशन काफ़ी है, खैर वो बात की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और जैसे अब BSc वाले स्टूडेंट्स हैं, BCOM वाले स्टूडेंट्स हैं, या और बाकी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आज से मतलब मंडे से लेकर के आने वाले दिनों में आपके क्लास को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएंगे, देन आप क्लास ज्वाइन भी कर पाएंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना, बस ऑब्वियसली बहुत जल्द आ जाएंगे आपको लेकर। और रहा सवाल फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर, तो देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग सच पूछी तो हो ही नहीं रहा, फिजिकल रिपोर्टिंग की जगह पे यही होता है कि आपका जो उन्होंने ज़रूर कहा है, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग की जगह पे यही है कि कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो वो आपसे खुद ही मांगेंगे, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि आज ही मांग ले, वो एज अ नोटिस निकालेंगे उसके बाद ही। अब जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो स्कूल के उनको तो जाकर देना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि फिजिकल रिपोर्टिंग से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना उस पर वीडियोज़ आ जाएगा। और हॉस्टल को लेकर मैं फिर से कह रहा हूँ, हॉस्टल को लेकर थोड़ा सस्पेंस है, किसी भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं दिया गया है कि हाँ भाई आते आपको हॉस्टल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, बस ये कि पहले आप क्लास को लेकर पहुँचिए, बाकी जो भी होगा वहाँ पर देखा जाएगा उस हिसाब से, अब देख लीजिए एक बार, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा।